अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान और वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अभी लाइक करें जल्दी से। जी तो हो गया। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा है, मैं अब दिखाने वाला हूं आपको अपनी बाइक। बाइक मैंने जब लिया था उसका मैंने व्लॉग बनाया था, अगस्त 2023 में बाइक ख़रीदा था मैंने, उसका व्लॉग इसी चैनल में मौजूद है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन वो बाइक अब वो नहीं रहा, अब इसको हमने पूरा चेंज कर दिया है, मतलब इसका कलर और इसकी हर चीज़ हमने बदल दी है, वो आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये समंदर के किनारे में आया हूँ और ये रही मेरी प्यारी सी बाइक। आए हाय क्या लुक आ रहा है भाई, क्या लुक आ रहा है, ये दरिया वाला लुक आ रहा है, दरिया वाला, आए हाय समंदर वाला लुक। ये मेरी बाइक है और ये समंदर है और ये मैं हूँ और ये हमारी पहाड़ी हो रही है। तो अभी आपको मैं एक एक चीज़ इस बाइक के बारे में बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। जी तो भाई स्टार्ट करते हैं बाइक के कलर से। ये था पहले ऑरेंज, आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगा पुराने बाइक की, वो उस कलर में था। फिर इसको हम लोगों ने रैप करवाया, ये पूरा रैप है, कलर नहीं किया, ये रैप किया, मतलब रैप का मतलब होता है उसके ऊपर हमने पेपर चढ़ाया है, काफ़ी लोगों को पता होगा। और रैप के बाद आपकी मर्ज़ी, आप बाइक पर क्या लिखना चाहो। तो हमने इस पर बाइक का लोगो लगाया जो मेन यामाहा, और यहाँ हमने 125G लिखा हुआ है जो कि ये बाइक है YBR 125G, यहाँ 125G और ऊपर लिखा हुआ है टॉप जी। टॉप जी कौन है वो सबको पता है, उस बहस में नहीं जाऊँगा, वो मुझे बड़ा पसंद है बंदा और उसके टॉप जी वाला नाम भी बड़ा पसंद है, तो हमने इस बाइक का नाम रख दिया टॉप जी। आगे की तरफ आप आ जाओ, इसमें और क्या मॉडिफिकेशन किए, ये जो साइड मिरर्स हैं ये हमने ज़रा से जो है वो चेंज किए। इसके ओरिजिनल वाले भी ब्लैक में ही आते हैं लेकिन उनमें इंडिकेटर्स नहीं है, इसके अंदर इंडिकेटर्स है आगे भी और पीछे भी। बाकी इसमें और क्या चेंज किए वो भी आपको बताता हूँ। मैं हूँ अंधा, मुझे रात को अच्छे से नज़र नहीं आता, सच्ची बात है, उसकी वजह से ये दो एक्स्ट्रा लाइट है और ये बीच में एक्स्ट्रा लाइट और एक जो अंदर है वो LED वाइट कलर की लाइट लगाई है। ओरिजिनल येलो आती है, बड़ी बेकार किस्म की लाइट है। मैं सबको मशवरा दूंगा YBR जो लेगा लाइट चेंज करे, कुछ भी रात को नज़र नहीं आता, जो जिसकी आँखें प्रॉपर ठीक है उसको भी नहीं नज़र आता। और ये दो लाइटें मैंने यहाँ भी लगाई हैं, ये काम तब आती है जब हम बड़े रोड पे निकलते हैं, हाईवे वाईवे वहाँ काम आती है ये। बाकी ये जो नॉर्मल, ये नॉर्मल चलाने में भी काम आती है। बाकी इसके बचे इंडिकेटर्स, यहाँ पीछे आ जाओ भाई, इंडिकेटर्स मैंने चेंज किए हैं। ये है जिन्नात खोपड़ी, ये रात को बच्चों के डराने के काम आते हैं, ये जलते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। अभी तो आपको नहीं दिखेंगे यार, अभी मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊँ, ये जलते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। और इसमें हमने ये ग्रिल भी लगाया हुआ है, सेफ्टी ग्रिल इसको बोलते हैं, ये भी कंपनी की तरफ से नहीं आता, ये आपको बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि आपको पता है कि अगर बंदा खुदा ना खास्ता गिर विर गया तो आपकी टंकी सेफ रहेगी, इस जगह पे बाइक लगेगी, टंकी आपकी बची रहेगी। बाकी इसका जो और हमने इसमें बटन्स लगाए, ये एक्स्ट्रा लाइट्स के एक्स्ट्रा बटन है, और यहाँ पे ये चारों इंडिकेटर चलाने के बटन है, इसको दबाते हो तो चारों इंडिकेटर एक साथ चलते, ये भी कंपनी की तरफ से नहीं आता। इसकी कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं आता भाई, क्योंकि मैं यहाँ कोई बाइक का रिव्यू तो ले नहीं रहा, तो बाइक के हवाले से आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या इस बाइक में चेंज किया। बाकी अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को बाइक दिखा दिया जो जो मैंने चेंज किया। अच्छा, इसमें टायर जो है वो ट्यूबलेस नहीं आते, वो भी मेरा इरादा था कि मैं इसमें टायर ट्यूबलेस डलवाऊंगा, टाइम थोड़ा कम था वरना मैं ये करवा देता। बाकी ये जो नीचे मडगार्ड लगा है ये भी मैंने खुद लगाया, ये भी कंपनी की तरफ से नहीं आता। और इसका नंबर जो है वो स्पेशल नंबर मैंने अलग से पैसे देके निकलवाया है, 3333, ये है अलग से पैसे देके, ये फ्री में आपको ऐसा नंबर नहीं मिलता। तो अभी ज़रा इसके राइड लेते हैं और कुछ खाने के लिए भी इफ्तार का सामान भी लेते हैं, तो अभी चलते हैं इसका राइड आप लोगों को दिखाएंगे। पहले तो यहाँ मट्टी से इसको बाहर निकालेंगे और रोड इसका, बाकी ये रोड ग्रिप के मामले में ये सब बातें मैं आपको बाइक पर बताऊँगा, अभी चलते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा बाकी बातें आपको बाइक पर जाते जाते करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं हेलमेट लगाएं, तो हेलमेट अभी इसलिए नहीं लगाया ताकि आप लोगों के लिए सीन रिकॉर्ड करें, व्लॉग है ना, व्लॉग में चेहरा नज़र आना चाहिए। बाकी वैसे चलाने के टाइम में मैं खुद भी कहता हूँ कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है। वाले सलाम, कैसे हैं, कैसे हैं जानी, आप बताएं, आप सेट हैं, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, अच्छा CBU का रोड थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, वहाँ से टूटा हुआ है आजकल, तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से इसके राइड के हवाले से कह रहा था। राइड इसका बड़ा मज़े का है, बहुत ज़्यादा मज़े का राइड है इसका, ऐसा है कि देखिए आपको खड्डे महसूस नहीं होते, और आप हैं कराची में, कराची में खड्डे तो बहुत हैं, रोड कम में खड्डे ज़्यादा हैं, तो खड्डे आपको बिल्कुल इसमें महसूस नहीं होते। और बाकी वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये बाइक ज़रा सा भी वाइब्रेट नहीं करती। अगर आप इसको छोटे गियर में भी चला रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरे गियर में इसको खींच रहे हो,
तब भी आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी। बाकी 5 गियर है इस बाइक में, एक आगे लगते हैं, बाकी के 4 पीछे लगते हैं, और कंफर्टेबल बाइक है, लॉन्ग राइड के लिए बेस्ट है, थकाती नहीं है आपको। बाकी 125 का जो मज़ा है उसके सिर्फ शशके हैं, मज़े इसके शशके उसके। बस राम जी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सुनाइए मेरे भाई लोग, अल्लाह का एहसान है, आप सेट हो? और आपके लिए क्या कर सकते जाने ना, ना रोज़ा खोलने में भी टाइम है मिलेंगे इंशाल्लाह। जी तो भाई भी मिलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में, आप लोग मुझे जितने सारे आप लोग ही हो जो सपोर्ट करने वाले, रास्ते में मिलते रहते हैं, मज़ा आता है इनसे भी मिल के, और इस राइड का भी बड़ा मज़ा आ रहा है। बाकी प्रॉपर राइड होनी चाहिए नहीं, आप लोग बताओ ज़रा, वो गोप्रो वगैरह लगा के फोटो व्लॉग होना चाहिए नहीं, वो आप लोग सजेस्ट करें। बाकी अभी जाते आगे ना समोसे लेते, फिलहाल थोड़ा राइड को एंजॉय करते आए। भाई तो समोसों का इरादा बदल लिया हम लोगों ने, डिसाइड किया हलीम लेने का, सोचा कराची की बेस्ट हलीम, उसका व्लॉग आएगा बहुत जल्द। वो यहाँ पे नहीं है, वो है हमारी लियारी में, आगरा ताज में कराची की बेस्ट हलीम मिलती है, वैसी हलीम कोई है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, चैलेंज है वो, बहुत जल्द वो भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। बाकी फिलहाल एक जगह है वहाँ पे भी हलीम मिलती है, वो भी अच्छी है। अभी हम आगरा ताज जा नहीं सकते क्योंकि हमारा रूट कहीं और है, तो उसका अलग व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आज आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय करें। एक बात बताना मैं भूल गया, मैंने इसमें हॉर्न भी अलग लगाया हुआ है, डबल हॉर्न है ये, डबल हॉर्न। ये इसमें डबल हॉर्न, ये भी हमने मॉडिफिकेशन, कंपनी की तरफ से जो हॉर्न आता है वो सिर्फ हमें ही सुनाई देते हैं और किसी को नहीं, ये स्पेशल हमारा अपना लगाया हुआ है। बर्बाद हो गए, हलीम मास्टर बंद है। एक बात बताऊं यार, वैसे करेक्ट बोलो तो मैंने यहाँ पिछले रमजान में लिया था, एक साल पहले, अब मुझे नहीं पता क्या बंद है, फिर पूरी तरह बंद हो गया है, इसकी हालत ये फुल सफाया लग रहा है, लग रहा है ना। अच्छा मैंने पिछले साल यहाँ पे इफ्तारी के टाइम में लिया था, तो अब क्या करें, टाइम तो 6 बज रहे हैं जानी, और 6:30 बजे तक हमें घर पहुँचना है। मेरा ख्याल है फिर रहने देते हलीम, रहने देते, फिर वीडियो भी बंद करते हैं और जाते हैं आपके काम निपटाते हैं, आपको भी 2-3 चीज़ें लेनी है। तो भाई हलीम तो बंद है, इसलिए बाइक का आप लोगों ने वीडियो देखी, बाइक राइड भी देखी, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा और बाइक भी आपको पसंद आई होगी। इसकी चाबी बंद कर देते हैं, और फिलहाल के लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जानी, प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक किया करें, बोल बोल के थक गया, रोज़े में इतना बोलता हूँ ना, मुझे पता चलता है कि मेरी जो हालत इफ्तारी के टाइम हुई भी होती है, मैं ऐसा जो कुत्ते की ज़बान जैसे बाहर नहीं लटकती प्यास से, मेरी वैसी हालत होती है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग एंटरटेन हो सके। तो प्लीज़ जारी रिक्वेस्ट करें इतनी है मेरे भाई लोग, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। मैं ऐसा चाहता हूं कि ईद आने से पहले पहले इंशाल्लाह ये चैनल हमारा सेट हो जाए, तो आपसे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।